पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट फंडामेंटल चेंजेस ले आने वाले कांग्रेस है। बयान या कुछ एक्सप्लेनेशन देने का जिम्मेदारी सीएम के ऊपर है, उसमें एक शब्द नहीं कहे। अगले एक आध साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। २०२४ के लोकसभा चुनाव के पांच चरण जो हैं वो हो चुके हैं, छठे चरण के लिए मतदान होना है। हमारे साथ है बातचीत करने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला जी, आप लगातार कैंपेन कर रही हैं, 114 सीटों पे अब चुनाव बाकी रह गया है। आपकी पार्टी, आप सब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 300 के पार जो है चुनाव जीत चुकी है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है? 10 साल मोदी जी के परफॉर्मेंस के ऊपर ही इस देश में, इस चुनाव में जनता अपने मन बनाकर पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए कि अब तक इतना पब्लिक के लिए स्कीम, गरीब के लिए स्कीम, मध्यम वर्ग के लिए स्कीम और गांव गांव तक का स्कीम पहुंच रहे हैं और इसका खुद प्रधानमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं। इसका फायदा लाभार्थी सब गांव गांव में हैं, पूरे देश में हैं। इनके मौखिक बहुत गुडविल देश में सुनने में आ रही है। लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि हाँ हमें मिला है, दूसरा बोल रहा हाँ हमें भी मिला है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट का आवश्यकता भी नहीं है, लोगों में गुडविल है इस सरकार के ऊपर और ऑल दिस बिना करप्शन। मैम, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तीसरी बार आएंगे तो हमारी सरकार का जो मेन एजेंडा है वो है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, डेवलप्ड कंट्री बनाना। उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी नोडल मिनिस्ट्री अगर कोई है तो वो आपकी है, उसके लिए आपका रोड मैप तैयार है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो लास्ट कैबिनेट और काउंसिल में कहा कि आप लोग अपने 100 डेज का, 5 साल का रोड मैप तैयार कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, उसमें अच्छा काम हो रही है। और ये भी है कि वोट ऑन अकाउंट बजट जो फर्स्ट फरवरी को हमने पेश किया, उसमें भी रास्ता हम स्पष्ट सामने रख रहे हैं कि अगले 5 साल में क्या क्या कदम हम उठाएंगे और आगे ले चलने के लिए कैसे इस देश को हर सेक्टर में ग्रोथ के लिए हम काम करेंगे। 5 trillion इकोनॉमिक्स के लिए तैयारी पूरी है अब आपकी? हाँ, मतलब भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और उससे हमें उस अभी से काम करने के कारण हम जरूर अगले एक आध साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। मैम, राहुल गांधी हैं, क्योंकि अब हरियाणा पंजाब में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अग्निवीर जो स्कीम है हम उसको 4 जून को जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहला ऑर्डर अग्निवीर को समाप्त करना होगा। आप देश की रक्षा मंत्री रही हैं, इसको किस रूप में देखती हैं? वो बहुत सारे विषय को समझने से पहले ही उसके ऊपर उनके अपने टिप्पणी दे देते हैं। जैसे रफेल के ऊपर टिप्पणी दिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के ऊपर टिप्पणी दी है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सबका हालात के ऊपर टिप्पणी दी है। आज देख लीजिए भारत के सुरक्षा के लिए रफेल कैसे काम आ रहा है, वो जो 10 साल के बाद भी वो खरीद नहीं पाए। HAL का ऑर्डर बुक्स आज 80,000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर उनका एक ही साल में मिल गए हैं। अगले 5-7 साल के लिए उनके पास काफी ऑर्डर्स है जिससे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का अच्छा आगे बढ़ने का पूरा संभावना है। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हर एक का वैल्यूएशन इतना बढ़ गए, वो सब अच्छे हालात में, हेल्थ में है। ऐसे GST के ऊपर भी राहुल गांधी ने बिना समझे, बिना कुछ होमवर्क किए गब्बर सिंह टैक्स बोले और आज आप देख लीजिए हर स्टेट को उससे कितना रेवेन्यू मिल रही है। कॉम्पनसेशन सेस खत्म होने के बाद भी
कॉम्पनसेशन अमाउंट जाना 22 अगस्त जून के बाद खत्म ही हो गया है, फिर भी स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ गए। इसीलिए राहुल गांधी जी हर विषय में बिना समझे कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं, इसीलिए मैं उसको बढ़ावा नहीं देना चाहती। पूरा विपक्ष एक सवाल कह रहा है कि बीजेपी महंगाई की बात नहीं करती है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, बीजेपी जो है हिंदू मुसलमान करके चुनाव लड़ रही है। आज इलेक्शन कमीशन ने भी इसका संज्ञान लिया है और ये बात कही है कि इस पर ध्यान दे बीजेपी, हिंदू मुसलमान को लेकर ज्यादा बयानबाजी जो है वो नहीं होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनके पब्लिक रैलीस में बयान होती है कि हम पूरे हिंदुस्तान के सोसाइटी को एक्सरे कर देंगे और जिनके पास कितना संपत्ति है इसका आंकड़ा लेंगे, फिर उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये भी बोलते हैं जिसका आबादी जितना है उसका उतना संपत्ति उनके हाथ में देंगे। किसके संपत्ति? आप पहले शुरू करो ना आपके राजीव गांधी फाउंडेशन से, आप पहले शुरू कर दो ना आपके ही अपने परिवार से। नहीं, देश का पैसा लूट करके सबको देने के लिए यही शुरू किया है उस बात को। मैं दोबारा जिक्र कर रही हूं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान जो दिया है उसमें सरकारी स्टैंप लगाने के लिए कोशिश हुआ कि सरकार के खजाने में पहला हक माइनॉरिटी को होना चाहिए। यह बयान पोलराइजिंग बयान है। इस देश में मजहब के ऊपर भेदभाव रखते हुए कुछ इनको ज्यादा दो इनको कम दो ये कोई कुछ नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन हो कुछ और हो, कोई मजहब के आधारित ऐसे बेनिफिट्स अफर्मेटिव एक्शन का कोई प्रावधान नहीं है। मगर इसका जिक्र करने वाले उनके मैनिफेस्टो में इधर दूसरे जगह तीसरी जगह ऐसे लगा करके, मगर बयानबाजी देने के समय इन तीनों को इकट्ठा करके बात करने वाले कांग्रेस है भाई। हम जरूर ये कह रहे हैं ये गलत रास्ता है। हम सबका साथ सबका विकास मानते हैं और जब आप पूरे देश में देख लीजिए कहीं भी देख लीजिए लाभार्थी जो आते हैं सामने उसमें भेदभाव नहीं रहते। सब लोग आते हैं बोलते हैं कि हमें भी मिला है, ये है हमारे रास्ते, ना कि पॉलिटिकल अपीसमेंट वोट बैंक का सैटिस्फाई करने के लिए उनको संतुष्टि रखने के लिए कुछ भी बयानबाजी करो, वो नहीं करेंगे हम। लालू प्रसाद यादव जी जो इंडी अलायंस का मेंबर है वो भी बोले हाँ मुस्लिम्स को रिजर्वेशन देना है। मैम अपोजिशन कह रहा है कि आप अगर 400 पार आ गए यानी आपकी पार्टी तो इस बार संविधान बदल देंगे आप देश का। ये बयानबाजी ही उनके हाथ में है। आज जब संविधान इस देश में उस पैमाने पर करने वाले कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम है इमरजेंसी के टाइम कितने लोग जेल में बंद हैं, जब पार्लियामेंट चलाए छठवीं साल पार्लियामेंट चलाए और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट फंडामेंटल चेंजेस ले आने वाले कांग्रेस है भाई, उनसे पूछना चाहिए कि आपको मेजॉरिटी हो नहीं हो आप पूरे विपक्ष को जेल में रखे 42nd अमेंडमेंट करने वाले कौन है, सोशलिज्म ले आने वाले कौन है प्रीएम्बल में, सेकुलर ले आने वाले कौन है, डॉक्टर अंबेडकर ओरिजिनली 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब नहीं लगाया, कांग्रेस पार्टी ले आए ये सब अमेंडमेंट्स। सो कांग्रेस पार्टी जो किया उसको पहले एक्सप्लेन करने के लिए बोलिए कि कौन दिया इनको मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए। अभी क्यों लोग को डराने वाले बात कर रहे हैं ये। और दूसरा भी बोलूं, अगर इनको मैंडेट मिलता है क्या ये स्पष्ट कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आर्टिकल 370 को वापस नहीं लेंगे, ये पूछिए ना उनसे। आ रहे हैं इंडिया अलायंस गवर्नमेंट फॉर्म करने वाले हैं, जरूर इसके ऊपर जवाब देने के लिए उनसे पूछिए। मैम एक सवाल है आम आदमी पार्टी पर, स्वाति मालीवाल को लेकर। आम आदमी पार्टी कह रही है कि स्वाति मालीवाल के इशू के पीछे भारतीय जनता पार्टी है जो आरोप लगाए हैं। ये शर्मनाक बयान है आम आदमी पार्टी का।
और मैं आपसे विनती कर रही हूं, ऐसे बयान को आपके मुंह द्वारा दोबारा जिक्र करके पत्रकारिता के स्थान को कम नहीं करना, क्योंकि एक महिला को पिटाई हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब के घर में ही पिटाई हुई है, जब वो घर में थे उस समय पिटाई हुई है, और पीटने वाले इनके पीएस है। इतनी सारे स्पष्ट है, जब वो महिला, और ये साधारण महिला नहीं है, राज्यसभा में मेंबर है, उन्हीं के पार्टी के मेंबर, रात में उधर से पिटाई होने के समय पिटाई हो रही है और पुलिस को खबर दे रही है उनके फोन के द्वारा, इतने होने के बाद स्टेटमेंट, बयान या कुछ एक्सप्लेनेशन देने का जिम्मेदारी सीएम के ऊपर है, उसमें एक शब्द नहीं कहे, मगर उसका उल्टा करके ये कोई पार्टी का एजेंट है बोलने के लिए शर्म होना चाहिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर महिला का सुरक्षा के विषय में सामने होकर के बोलना चाहिए कि क्या हुआ, मैं न्याय दिलाऊंगा। क्यों अगले दिन राज्यसभा के दूसरे मेंबर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी बाहर आकर के बोले नहीं कि एक्शन लेंगे हम? एक्शन नहीं लिया, उसी अक्यूज्ड के साथ लखनऊ में घूम रहे हैं चीफ मिनिस्टर। अब एक सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो उनको जेल जाना पड़ेगा, अगर बीजेपी नहीं जीती तो वो जेल नहीं जाएंगे, इसलिए बीजेपी को हराना बहुत जरूरी है। वो इलेक्शन कैंपेन के लिए पेरोल पे आए हैं बाहर, वो ये कह के कैंपेन कर रहे हैं अपना पूरा। बीच में कोर्ट जैसे एक इंस्टीट्यूशन नहीं है क्या? इनको बाहर आकर के 2 तारीख तक आप कैंपेन करो वगैरह करो, 2 तारीख वापस आकर सरेंडर करो, कहने वाले कौन है भाई? बीजेपी है क्या? कोर्ट है। कम से कम न्यायाधीश को अवमानना ना करना, कोर्ट के आदेश है उसके अनुसार आप बाहर आए हो, कोर्ट के आदेश है कि 2 तारीख आकर सरेंडर करो, ये जनता के सामने स्पष्ट करो भाई, बीजेपी को वोट दो दो मैं जेल जाऊंगा। मतलब आप करप्शन करोगे, कोर्ट के द्वारा आदेश और इंक्वायरी के द्वारा आप अरेस्ट भी होंगे, फिर भी राजनीति करेंगे हम, बीजेपी को बोलेंगे, मतलब करप्शन करने वाले को जेल भेजने वाले बीजेपी, ये तो मान रहे ना, आप करप्शन किया, बीजेपी के एक्शन के वजह से आज कोर्ट भी मान करके आपको अरेस्ट करके अंदर रखे, बोले ठीक है आप जाओ 4 दिन मगर वापस आओ 5वें दिन, ये बोलने वाले बीजेपी नहीं है, मगर एक्शन हम लेंगे करप्शन के ऊपर। अब गए अंदर, कोर्ट को सम्मान करते हुए जो बोलना है बोलना चाहिए, ना कि ऐसे नाटकबाजी। सब ये सोच रहे थे कि निर्मला सीतारमन भी तमिलनाडु की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत समय पर ऐसा क्या हुआ कि निर्मला सीतारमन चुनाव नहीं लड़ी? पार्टी का निर्णय है, मैं जो भी जितना भी कहूं, बट आपने तैयारी की थी, आखिर पार्टी के कहने पर मैं जाऊं ना जाऊं ये तो अंतिम बात पार्टी के हाथ में, पार्टी अगर मुझे भेजती है नहीं अब जाओ इधर ही जाना उधर ही जाना कंटेस्ट करना, मैं तो करना ही है, इसमें दो राय नहीं है, और मैं तो कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हूं। ये मैं एक सवाल है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर, विपक्ष ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वो एक तरीके का फर्जी स्कैम था, आपकी पार्टी उन लोगों से पैसा लेती थी जिनके ईडी सीबीआई के केसेस होते थे, फिर वो पैसा देते थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे सरकार का स्टैंड क्या है? क्या इसमें सुधार करके वापस लाया जाएगा या यथास्थिति जो है वैसी ही अब रहेगी जो कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है? पहला बात, कोर्ट ने जो भी रोक लगाई ठीक है, मगर विपक्ष में कोई एक भी पार्टी ऐसा नहीं है जो इसके ऊपर ऐसे बयानबाजी कर सकते हैं, क्योंकि ये कानूनन पार्लियामेंट के द्वारा आए हुए एक निर्णय है, उसके अनुसार हर एक पार्टी पैसा लिया है, सिर्फ बीजेपी नहीं आप भी लिए, जहां आपकी सरकार है वहां आप भी लिए, और नेशनल पार्टी जो कांग्रेस का उसका भी पैसा मिला, उनके अलायंस पार्टनर जहां भी है
चाहे वो तमिलनाडु हो कहीं और हो, हर एक पार्टी पैसा लिया है। बंगाल में तो इतना पैसा ऐसे लोग से भी आया है टीएमसी को। इसीलिए पैसा सबको कानूनन मिला है, मैं अंडरलाइन कर रही हूं कानूनन, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के मैटर पार्लियामेंट में पारित होने के बाद ही लागू हुआ, उसके अनुसार ही हम सबको पैसा मिला, हमारी पार्टियों को पैसा मिला। आने वाले दिन क्या होगा फ्यूचर में देखा जाएगा। जी निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बात करने के लिए और अपना कीमती समय जो आपने दिया आज तक के दर्शकों के लिए, उसको लेकर आपको एक बार फिर से धन्यवाद। ये थी निर्मला सीतारमन, जिनका ये कहना है कि इनकी पार्टी जो है वो गरीब कल्याण के काम कर रही है, विपक्ष ऐसे आरोप लगा रहा है जो जमीन पर कहीं उतरते नहीं है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, आज तक।